एपिसोड 817, अनन्या नहीं तो कौन। गांव वालों को देखकर सुमेर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि गांव वालों ने साफ देखा था कि सुमेर ने पुजारी जी का गला पकड़ रखा था। सुमेर अपनी सफाई में बोला, नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग। पुजारी जी जैसे देवता समान इंसान का, जिन्होंने बचपन से मुझे पिता जैसा प्यार दिया, मैं उनके गले पर हाथ डालूंगा? आप लोग मुझे इतना गिरा हुआ समझते हैं क्या? वो तो पुजारी जी को चोट लगी हुई है, वो मुझे वही दिखा रहे थे कि उनके गले में इससे ज्यादा गंभीर चोट थी, तो मैं बस वही देख रहा था। गांव वाले हैरानी से पुजारी जी की तरफ देख रहे थे। पुजारी जी ने सुमेर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आप लोग भला सुमेर बाबू के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? वो मेरा गला पकड़े, हे प्रभु, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। इतना कहते हुए पुजारी जी ने सुमेर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी नर्वसनेस नजर आ रही थी। ये देखकर पुजारी जी की मुस्कुराहट रुकी नहीं रही थी। गांव वाले पुजारी जी से मिलकर वहां से जा चुके थे। अब सुमेर की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पुजारी जी पर हाथ डाले, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था कब कौन आ जाए। इसीलिए उसने दूर खड़े होते हुए पुजारी जी से कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, उस ध्रुव ने मेरे साथ जो किया है, कहीं उसके लिए मेरा गुस्सा तुम पर ना निकल जाए। पुजारी जी कुछ सोचने का ड्रामा करते हुए बोले, आखिर आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? मैं कमजोर बूढ़ा आदमी भला आपका क्या बिगाड़ सकता हूँ? और तो और, मैंने तो किसी को ये तक नहीं बोला है कि मैं इतने समय तक आपकी ही कैद में था, तो भला आप यहाँ तक किस डर से चले आए हो? इतना कहते हुए पुजारी जी थोड़ी देर चुप हो गए, और फिर जो पुजारी जी अभी तक भीगी बिल्ली बनकर सुमेर से बात कर रहे थे, वो एकदम से मजबूत आवाज में बोले, बहुत हो गया, अब अगर आप यहाँ एक मिनट और रहे या आपने मुझसे कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की, तो मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि आपने क्या क्या किया है। और भूलिएगा मत कि मैं अकेला नहीं हूँ जो गांव वालों को आपकी सारी सच्चाई बता सकता हूँ। मेरे साथ और भी लोग हैं, और जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बात पर तो गांव में कोई शक भी नहीं कर सकता, और उस व्यक्ति की बात को आप झुठला ही नहीं सकते। सुमेर ने कहा, अरे किसी को कुछ तब बोलोगे ना जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा, मैं अभी यही तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही सुमेर आगे बढ़ा कि तभी पुजारी जी ने कहा, एक मिनट ठहर जाइए, ऐसी कोई बेवकूफी मत कीजिएगा कि बाद में आपको यहाँ से भाग निकलने का रास्ता भी ना मिले। आपको क्या लगता है, इतने सालों तक आप पर आंख बंद करके जो मैंने विश्वास किया था, क्या वही बेवकूफी मैं दोबारा करूंगा? ध्रुव ने अपने मोबाइल में मेरा वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने साफ कहा है कि अगर मुझे एक खरोंच भी आती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, और इतने समय तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ और उसका जिम्मेदार कौन है, इन सारी बातों को वीडियो बनते समय मैंने खासकर जोर दिया हुआ है। इतने समझदार तो आप हैं ही सुमेर बाबू कि अब आप ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करेंगे। पुजारी जी की इस बात पर तो सुमेर बुरी तरीके से बौखला गया था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बुरी तरह से फंस चुका था। सुमेर ने पुजारी जी को उंगली दिखाकर कहा, भूलना मत, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, मैं लौट कर आऊंगा और तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग दो चार छोटी मोटी हरकतें करके मुझे हरा दोगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इतना कहकर सुमेर वहां से बड़े बड़े कदम उठाकर निकल गया, और पुजारी जी उसे जाते हुए देखते रहे। फिर वो एक गहरी सांस लेकर मन में बोले, ध्रुव सही कह रहा था, अब इसका पूरा ध्यान मुझ पर है, और ये इसी डर में रहेगा कि कहीं मैं किसी को कुछ बता ना दूं, और इसका यही डर इसको इसके असली मकसद से भटका कर रखेगा। साथ ही इसके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि इसकी माँ और वो लड़की, वो दोनों भी अगर मेरी तरह सबके सामने आ गए तो क्या होगा। एक तरफ जहाँ सुमेर की बौखलाहट पुजारी जी को सुकून दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव बार बार घड़ी देख रहा था। ऊपर वाले कमरे में ध्रुव अकेला बैठा हुआ था कि तभी सागर, छलावा और विकी कमरे में आ गए। वे तीनों किसी रैंडम टॉपिक पर बात करते हुए आ रहे थे, और उनकी नजर जब ध्रुव पर पड़ी कि वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, तो विकी ने मजाकिया अंदाज में कहा, भाई इतनी बेसब्री से घड़ी क्यों देखी जा रही है, भला आप तुझे किससे मिलने जाना है जिसके लिए इतना बेताब हुआ जा रहा है? अनन्या तो नीचे ही अपनी लाली लिपस्टिक के बारे में बात कर रही है। ध्रुव ने विकी को देखकर कहा, हंसना था क्या? विकी बोला, हाँ हंसना तो था, लेकिन तू लेट हो गया, अब क्या कर सकते हैं, तू हर चीज में लेट ही तो होता है। फिर विकी बाकी लड़कों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग को पता है गाइस, ये ध्रुव ना हमेशा से ही लेट लतीफ रहा है, एक बार तो ये एग्जाम में भी आधा घंटा लेट आया था। सागर ने हैरानी से पूछा, फिर क्या हुआ, एग्जाम छूट गया होगा ना, ध्रुव तो फेल हो गया होगा। विकी ने कहा, अरे कहां, हम लोग तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये हमेशा क्लास में टॉप करता था और हमें इंतजार रहता था कि कभी तो ये फेल हो, लेकिन हमारी किस्मत खोटी थी, इसने अपना चार्मिंग सा फेस लेकर एग्जामिनर को प्यारी सी स्माइल दिखा दी और बस
फिर तो एग्जामिनर ने उसे आराम से बैठकर एग्जाम देने दिया। ये सुनकर सागर हैरानी से बोला, क्या बात कर रहे हो? विक्की ने कहा, हाँ सच में यकीन नहीं हो रहा है ना इसके चेहरे को देखकर, मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन पता नहीं क्यों लड़कियों को इसका फेस बहुत चार्मिंग लगता है। अब बताओ भाई, भला ये कहाँ से चार्मिंग दिखता है, जरा बताना तो तुम लोग, जरा हम दोनों के चांद से मुखड़े को देखो और बताओ मैं ज्यादा सुंदर लगता हूँ कि नहीं। ध्रुव उठकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ भाई तू मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस पता नहीं क्या क्या है, तू बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत गॉर्जियस है, अब और भी कुछ रह गया है? ध्रुव के इस बात पर सागर और छलावा ठहाके लगाकर हंस पड़े और विक्की मुंह बनाता हुआ बोला, हंसना था क्या? ध्रुव ने कहा, हाँ लेकिन अफसोस तू पीछे रह गया जैसे हमेशा रह जाता है। सागर और छलावा को जोर से हंसते देख विक्की ने नाराजगी से कहा, तुम सबके सब मिले हुए हो, सबके सब धोखेबाज हो, तुम लोग ना इस ध्रुव के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाते हो, तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा। छलावा बोला, क्यों अभी हम दिखने रह गया कि बाद में देखोगे? विक्की उन लोगों को घूर कर देखते हुए वहां से नाराजगी दिखाकर चला गया। उसके जाते ही पीछे से बाकी के तीनों के हंसने की आवाज आई। ये सुनकर विक्की के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। विक्की जैसे दरवाजे तक पहुंचा उसने देखा अनन्या ऊपर छत की तरफ जा रही थी। इससे पहले कि विक्की उसे आवाज लगाता अनन्या छत पर जा चुकी थी। विक्की धीरे से बोला, ये छत पर क्या करने गई है वो भी इस वक्त? इतना सोचते हुए उसने पीछे पलट कर देखा और अपने मन में शरारती अंदाज में बोला, अच्छा बेटा मतलब ये ध्रुव नीचे बैठा इसीलिए घड़ी देख रहा था क्योंकि इन लोगों ने छत पर आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम फिक्स किया था। अभी रुक जा ध्रुव बेटा, अब मैं तुझे बताता हूँ, ये ध्रुव मेरा मजाक उड़ा रहा था ना, अब मैं इसे बताता हूँ कि क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। अब मैं अनन्या को ऐसा भड़काऊंगा ना कि उस ध्रुव के बच्चे की टांग तोड़े बिना वो चैन से नहीं बैठेगी। इतना सोचते हुए विक्की जैसे ही आगे बढ़ा कि ध्रुव ने पीछे से कहा, अरे रुक तो भाई कहाँ जा रहा है, अभी तो बहुत से पुराने राज खोलने, बैठ जा आगे अपनी तारीफों के पुल तो सुनता जा। विक्की ने कहा, मैं तुम लोगों की तरह नीच नहीं हूँ कि ग्रुप बनाकर किसी एक बेचारे भोले भाले मासूम का मजाक उड़ाऊं। इतना कहकर विक्की वहां से निकल गया और कमरे से बाहर जाकर पीछे पलटकर हंसते हुए बोला, तेरी तारीफों के पुल तो अब मैं बनाऊंगा, वो भी अनन्या के सामने, और ऐसा पुल बनाऊंगा ना कि तुझे मजा ही आ जाएगा। मैंने तेरा रोलर कोस्टर राइड ना बना दिया तो कहना, अब आएगा मजा। विक्की पूरे जोश के साथ धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ध्रुव को पता चले कि वो छत पर जा रहा था, नहीं तो ये बात पक्की थी कि ध्रुव उसके पीछे पीछे आकर ये जानने की कोशिश करता कि आखिर विक्की कहां जा रहा था। विक्की चाहता ही नहीं था कि ध्रुव को इस बात की भनक तक लगे कि अनन्या छत पर जा चुकी थी और इसलिए विक्की भी छत पर जा रहा था। छत के गेट के पास खड़े होकर विक्की ने एक बार नीचे देखकर तसल्ली कर ली कि कोई उसके पीछे आ तो नहीं रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि उसके पीछे कोई नहीं था तो वो धीरे से छत पर गया और उसने छत का दरवाजा हल्के से बंद कर दिया। उसने कुंडी नहीं लगाई लेकिन इस तरह से सेट कर दिया था कि कोई भी आसानी से बिना अच्छी तरह से पुश किए उसे खोल ना सके और अगर कोई गेट पर धक्का दे तो विक्की सतर्क हो सके। गेट के पास खड़े होकर विक्की ने इधर उधर देखा तो पाया अनन्या एक कोने में खड़ी थी। अनन्या की पीठ विक्की की तरफ थी। विक्की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़कर आहिस्ता से अपनी आवाज बदल कर ध्रुव की आवाज में बोलने की कोशिश करता हुआ बोला, अनन्या। लेकिन अनन्या ने ना तो पीछे पलट कर देखा और ना ही उसे कोई जवाब दिया। विक्की अपने मन में बोला, लगता है ये मेरी आवाज नहीं पहचान रही है, इसके साथ भी थोड़ी सी मस्ती करता हूँ तो क्या हुआ, दो चार थप्पड़ मार देगी, खा लूंगा लेकिन मजा बहुत आएगा। अभी विक्की कुछ आगे गया ही था कि उसने देखा जहाँ अनन्या खड़ी थी वहाँ कोने में बहुत सारी लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। ये सारी पुरानी खिड़की दरवाजे की लकड़ियां थी जिनमें से कुछ लकड़ियां तो तब की निकली हुई थी जब ये लोग पाली आए थे और घर की मरम्मत करवाई थी। विक्की ने देखा कि अनन्या उन लकड़ी के टुकड़ों को तोड़ रही थी और जैसे ही विक्की अनन्या के नजदीक आया उसे आवाज आई कि अनन्या उन लकड़ियों को चबा रही थी। ये आवाज सुनते ही विक्की के कदम जहां थे वहीं थम गए और वो हैरानी से अनन्या की तरफ देखने लगा। विक्की ने धीरे से कहा, अनन्या ये तुम क्या कर रही हो, तुम ये लकड़ियां क्यों चबा रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतना कहते हुए विक्की ने जैसे ही अपने कदम जल्दी जल्दी अनन्या की तरफ बढ़ाए कि तभी उसने देखा अनन्या की पूरी बॉडी से अंगारे दहक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या कोई इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती ज्वालामुखी थी। एकदम से अनन्या में ये परिवर्तन देखकर विक्की के कदम जहां थे वहीं थम गए। वो घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे और एकदम से अनन्या ऐसी कैसी हो गई। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, यहाँ तक कि वो किसी को आवाज लगाकर मदद के लिए भी नहीं बुला पा रहा था या किसी को ये तक नहीं बता पा रहा था कि यहाँ हो क्या रहा था। विक्की अपने आप में घबरा कर बोला,
अब मैं क्या करूं? ये क्या हो रहा है इसको? ये आग में क्यों बदल रही है? ध्रुव कहाँ है? तू जल्दी आ। लेकिन वो इतने आहिस्ते से बोल रहा था कि उसे खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो भला नीचे के फ्लोर पर बैठे ध्रुव को कैसे सुनाई देती? वो भी तब जब विकी ने खुद छत का दरवाजा बंद कर दिया था। विकी ने हिम्मत जुटाकर अपने दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी में बंद किया और आंख बंद करके जोर से चिल्लाया, ध्रुव। विकी इतनी जोर से ध्रुव का नाम लेकर चिल्लाया था कि अनन्या एकदम से उसकी तरफ पलटी। अनन्या का चेहरा, उसकी आंखें सब आग की तरह दहक रही थी, बल्कि वो लकड़ियों को ऐसे चबाकर खा रही थी जैसे वो उसके लिए कोई नॉर्मल सा खाना हो। विकी को देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे धीरे करके विकी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी थी और विकी पीछे खिसकते हुए घबरा कर बोला, नहीं नहीं, तुम अनन्या नहीं हो, तुम कौन हो? कौन हो तुम? देखो देखो देखो, मेरे पास मत आना, मैं कहता हूँ रुक जाओ वहीं पर, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए विकी इधर उधर देखने लगा और उसे एक बांस का टुकड़ा नजर आया। विकी ने उस बांस को उठा लिया और अनन्या की तरफ जोर से फेंका, लेकिन अनन्या की बॉडी से लगते ही वो बांस भी जलने लगा। विकी समझ गया था कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अनन्या अब उसके इतने नजदीक आ गई थी कि विकी को ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी से उसकी पूरी बॉडी पर फफोले हो जाएंगे। इससे पहले कि अनन्या उसे छू पाती, विकी गर्मी के मारे बेहोश होकर नीचे गिर गया था। एपिसोड 818, कौन है ये आदमी। विकी बेहोश होकर नीचे गिर गया था, लेकिन उसने बेहोश होने से पहले जो ध्रुव को आवाज लगाई थी वो उसके कान तक पहुंच गई थी। ध्रुव ने कहा, ये विकी की आवाज थी ना, तुम लोगों ने भी सुना क्या? सागर ने कहा, हाँ ऐसे लगा तो कि वो चिल्लाया है। छलावा ने कहा, क्या तुम लोग भी उसकी मजाक वाली आदत को तुम लोग जानते नहीं हो क्या? जरूर वो मजाक कर रहा होगा। ध्रुव ने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता कि वो कोई मजाक कर रहा है, एक बार चलकर देखते हैं। इतना कहते हुए ध्रुव कमरे से बाहर निकला और बोला, मैं ऊपर छत पर देखता हूँ, शायद आवाज उधर से ही आई थी, तुम लोग नीचे जाकर देखो। ध्रुव फटाफट छत की तरफ गया तो उसने देखा छत पर कहीं कोई नहीं था। ध्रुव ने जब छत से नीचे झांक कर देखा तो विकी उसे बगीचे में बेहोश गिरा हुआ दिखा। ये देखते ही ध्रुव ने आवाज लगाई, छलावा विकी बगीचे में है, जल्दी जाओ। इतना कहते हुए ध्रुव भी जल्दी जल्दी नीचे उतरा और बगीचे की तरफ भागा। उन तीनों को ऐसे भागते दौड़ते देखकर बाकी सब भी घबरा गए थे। सब उनके पीछे पीछे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि विकी बगीचे में बेहोश पड़ा हुआ था। विकी को बेहोश देखकर तारा घबरा गई और वो बोली, ये बेहोश कैसे हो गया और ये नीचे कब आया? हम लोग तो बाहर ही बैठे हुए थे, हमने तो इसे नीचे आते हुए नहीं देखा। ध्रुव ने कहा, पता नहीं लेकिन काफी देर पहले तो ये हमारे साथ था, उसके बाद बाहर निकल गया था, हो सकता है तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, इसने तो मुझे आवाज भी लगाई थी, ये अभी जोर से चीखा था इसीलिए तो मैं भाग कर आया हूँ। तारा बोली, इसको जल्दी से अंदर लेकर चलो। छलावा ने तुरंत विकी को गोद में उठाया और उसे लेकर घर के भीतर आ गया। जैसे विकी के चेहरे पर पानी के छींटे दिए गए वो घबरा कर उठकर बैठ गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम अनन्या नहीं हो, आग, बहुत सारा आग, नहीं मुझसे दूर रहो मुझसे, ध्रुव 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 मुझे बचाओ। विकी की ऐसी बैकी बातें सुनकर वहां मौजूद सब हैरान थे और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ध्रुव ने विकी को संभालते हुए कहा, क्या हो गया विकी? सब ठीक है, मैं यही हूँ तेरे पास, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू ठीक है, विकी मेरी तरफ देख। लेकिन विकी तो जैसे अपने ही ख्यालों में गुम था। ध्रुव ने जोर से विकी के कंधे को पकड़ा और झकझोरते हुए कहा, विकी होश में आ, मैं यही हूँ तेरे साथ, तेरे पास, कुछ नहीं हुआ है तुझे, क्या हो गया? विकी ने ध्रुव को देखा और एकदम से उससे लिपट गया जैसे कोई छोटा बच्चा लिपट जाता है और घबराते हुए बोला, वो छत पर अनन्या आग, अंगारे दहक रहे थे, वो लकड़ी खा रही थी, वो मुझे मारने आ रही थी। उसकी बात सुनकर ध्रुव हैरानी से अनन्या की तरफ देखने लगा और अनन्या ने मासूमियत से कहा, ये क्या कह रहा है, ये इस तरह से मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है, मैं कब गई थी छत पर? विकी ये तो क्या बैकी बातें कर रहा है। ध्रुव ने अनन्या को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और विकी को संभालते हुए बोला, सब ठीक है विकी, अनन्या यही है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, और तू छत पर नहीं था, तू बगीचे में बेहोश पड़ा हुआ था, हम अभी तुझे वहां से उठाकर लाए हैं, होश में आ और संभाल अपने आप को। ध्रुव ने कहा, जाओ तुम लोग एक गिलास पानी लेकर आओ। तारा तुरंत किचन में गई और ठंडा पानी लेकर आई। ध्रुव ने विकी को पानी पिलाया तो वो एक ही घूंट में सारा पानी पी गया और फिर बोला, मेरा यकीन कर, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, मैं छत पर बेहोश था, मुझे नहीं पता कि मैं बगीचे में कैसे आ गया। ध्रुव ने विकी का चेहरा अपने हाथों में लिया और बड़े प्यार से बोला,
तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है? तू बगीचे में था और जो तू कह रहा है ना वो बस तेरा वहम है और कुछ नहीं। तारा बोली, हाँ विकी ध्रुव ठीक कह रहा है, दरअसल हवेली में जो कुछ भी हुआ था शायद तुम अभी भी उन चीजों से निकल नहीं पाए हो, इसीलिए तुम्हें ये वहम हुआ होगा। वरना तुम ही बताओ ना, अगर तुम जैसा कह रहे हो वो सच होता तो तुम हमें छत पर मिलते ना कि बगीचे में, है ना? विकी ने कहा, ये देखो मेरे हाथों पर जो छाले पड़ गए थे गर्मी से। इतना कहते हुए विकी अपने हाथ दिखाने लगा, लेकिन जब उसने अपना हाथ आगे किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल ही था। विकी हैरानी से अपने हाथ पांव को देखने लगा और अनन्या को देखता हुआ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इतना बड़ा वहम कैसे हो सकता है? ध्रुव ने कहा, अच्छा ठीक है, तू इस वक्त बहुत डरा हुआ है, शायद इसलिए ना तो तू हमें अपनी बात सही से समझा पा रहा है और ना ही हम कुछ समझ पा रहे हैं। फिलहाल तू आराम कर, मुझे लगता है हवेली में जो कुछ भी हुआ है उस सब से तुझमें वीकनेस आ गई है, इसलिए तू बेहोश होकर गिर गया होगा और तुझे ऐसा सब कुछ लगा होगा। तू डर मत, सब ठीक है, और वैसे भी मेरे होते हुए भला कोई तेरा बाल भी बांका कर सकता है क्या? तुझे मुझ पर यकीन है ना? विकी ने हाँ में सिर हिलाया तो ध्रुव बोला, तो बस मुझ पर यकीन रख और आराम कर। इतना कहते हुए ध्रुव ने टाइम देखा और बोला, मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। विकी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तू कहाँ जा रहा है? तू मुझे छोड़कर मत जा प्लीज, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ध्रुव ने कहा, मुझे निम्मो भाभी के साथ जाना था, याद है ना मैंने बताया था ना? और तू क्यों बच्चों की तरह डर रहा है? यहाँ इतने सारे लोग हैं, तारा है, छलावा है। छलावा, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तू विकी के बगल से हिलेगा भी नहीं, तू यहीं बैठा रहेगा ठीक है? छलावा विकी के पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे होते हुए विकी का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ, विकी मैं हूँ तुम्हारे साथ। छलावा को अपने बगल में बैठा देख विकी को कुछ राहत महसूस हो रही थी, लेकिन अभी भी वो रह रहकर अनन्या को ही देख रहा था। अनन्या ने जिस मासूमियत के साथ विकी की बात को काटा था उस मासूमियत में भी विकी को कुछ अलग ही नजर आ रहा था। विकी को ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या उसका मजाक उड़ा रही हो और उस पर हंस रही हो। ध्रुव घर से बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से अनन्या ने उसे आवाज लगाई, ध्रुव एक मिनट रुकना। ध्रुव रुक गया और बोला, हाँ बोलो अनन्या, क्या हुआ, तुम भी साथ आ रही हो क्या? अनन्या ने इनकार में सिर हिलाया और जमीन की तरफ देखते रही। ध्रुव बोला, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कुछ कहना चाहती हो? अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया तो ध्रुव ने कहा, हाँ बोलो ना, मुझसे कहने के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? अनन्या बोली, नहीं वो बात नहीं है, दरअसल अभी अभी जो कुछ हुआ मुझे उसके बारे में बात करनी है। ध्रुव बोला, अरे वो कुछ नहीं, विकी को बस वहम हुआ है और सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। देखो मुझे लेट हो रहा है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो बोलो वरना आकर बात करते हैं। अनन्या ने फिर बस हाँ में सर हिलाया तो ध्रुव पीछे पलट कर जाने लगा। अनन्या फिर बोली, एक सेकेंड ध्रुव। ध्रुव ने कहा, क्या हुआ अनन्या, क्यों परेशान हो? अनन्या ने कहा, ध्रुव विकी जो कुछ भी कह रहा था वो, मतलब तुम कह रहे हो कि वो बस उसका वहम था, उसके लिए मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने मेरे बारे में कहा। ध्रुव ने कहा, तो क्या हो गया अनन्या, इस बात के लिए तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, उसके कहने का मतलब जो भी था वो सीरियस बिल्कुल नहीं था, और हमने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जितना कि तुम सोच रही हो। अनन्या बोली, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम लोगों ने बेशक ध्यान नहीं दिया लेकिन मुझे ये चीज परेशान कर रही है, घूम फिर कर मेरे दिमाग में उसी की बात घूम रही है। विकी ने तुम में से किसी और का नाम क्यों नहीं लिया, मेरा ही नाम क्यों लिया? अगर वहम ही था तो किसी का भी नाम ले सकता था ना? ध्रुव ने कहा, हवेली में जो कुछ भी हुआ क्या तुम भूल गई? विकी और जुल्मी के सामने अनन्या के भेष में ही कोई आई थी ना, तो हो सकते है उसके दिमाग में वही चीज घूम रही हो, इसलिए उसने तुम्हारा ही नाम लिया, किसी और का नहीं। देखो अनन्या, मुझे बहुत देर हो रही है, इस बात को तुम भी अपने दिमाग से निकाल दो और रिलैक्स रहो, विकी का ध्यान रखना, इस बारे में मैं आकर बात करता हूँ। अनन्या बोलते ही रह गई। ध्रुव सुनो तो सही, लेकिन ध्रुव जल्दी जल्दी वहां से निकल गया था। अनन्या दूर खड़ी उसे जाता देखती रही और उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। तभी पीछे से तारा बोली, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनन्या ने चौंकते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं बस विकी के बारे में ध्रुव से बात कर रही थी। तारा ने कहा, परेशान मत हो, वो ठीक है, आओ अंदर आओ। अनन्या तारा के साथ अंदर आ गई और तारा ने दरवाजा बंद कर लिया। ध्रुव जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता जा रहा था और बोलता जा रहा था, काफी देर हो गई है, भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। अपने आप में सोचता हुआ ध्रुव जब महादेव के घर के पास पहुंचा
तो उसने देखा उसके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ था। ध्रुव समझ गया कि जरूर महादेव के बच्चे अपनी नानी के घर जा चुके होंगे और निम्मो भाभी भी उस आदमी से मिलने के लिए निकल गई होंगी। ध्रुव इरिटेट होता हुआ मन में बोला, मना किया था मैंने, फिर भी चली गई, समझती नहीं है बात को। मुझे जल्द से जल्द मंदिर की तरफ जाना होगा इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एक तरफ जहां ध्रुव निम्मो भाभी के लिए फिक्रमंद हो रहा था, वहीं निम्मो बड़े बड़े कदमों से मंदिर के नजदीक पहुंच गई थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, उसको घबराहट भी हो रही थी, लेकिन दूर से मंदिर से आ रही रोशनी उसके मन को थोड़ा सा शांत कर रही थी। निम्मो अपने मन में बोली, नहीं निम्मो, ये तो छोटी मोटी बात है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, तुम अब कैसे डर सकती हो। तुम्हें अपने पति को किसी भी तरीके से ढूंढना है, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि वो आदमी जो कोई भी है, अगर मददगारी है तो मंदिर के पीछे क्यों बुलाया, मंदिर में ही आ जाता। एक तो मैंने ध्रुव का इंतजार भी नहीं किया, लेकिन क्या करती, बहुत देर हो गई थी, अगर वो आदमी आकर चला जाता तो फिर मेरे हाथ क्या लगता। मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़ने के बाद वो मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंच गई थी। पीछे दूर दूर तक खेत ही खेत फैले हुए थे और मंदिर के पीछे अभी भी मेडिकल कैंप की कुछ कुछ चीजें पड़ी हुई थी। निम्मो वहीं पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी और किसी को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। वो बोली, कमाल है, मुझे तो लगा था वो आकर चला ना जाए, इसलिए मैं जल्दी आ गई, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं है। तभी उसे लगा जैसे कि उसके पीछे कोई चलकर आ रहा था। उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो वो ध्रुव था। निम्मो ने ध्रुव को देखा तो राहत की सांस लेती हुई बोली, तुम, मुझे तो लगा तुम नहीं आओगे, इसलिए मैं अकेली आ गई। ध्रुव ने कहा, ये सब छोड़िए, अभी इसके लिए समय नहीं है, मैं यहीं दीवार के पीछे छुपा हुआ हूँ, आप हिम्मत रखिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं। ध्रुव इतना कहकर छुप गया। कुछ देर बाद उसने देखा सड़क पर कोई आ रहा था। ध्रुव आहिस्ता से बोला, वो आ गया है, सतर्क रहिए। निम्मो ने देखा एक आदमी चादर में खुद को छुपाए उसी की तरफ आ रहा था, उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। ये देखते ही वो डर गई, लेकिन तभी वो आदमी बोला, डरिए मत, ये तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आया हूँ। निम्मो ने जानना चाहा कि वो कौन था, तो वो आदमी बोला, ये मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ, आपके लिए ये मायने रखना चाहिए कि मैं आपको जो जानकारी देने आया हूँ वो आपके काम की है या नहीं। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। एपिसोड 819, फोन पर कौन था। जब उस आदमी ने निम्मो भाभी से कहा कि उनका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि वो जो जानकारी उनको देने जा रहा था वो उनके काम की थी या नहीं, तो इस बात पर निम्मो जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी उसके दिमाग में ध्रुव की बात आ गई। ध्रुव ने कहा था, भाभी आपको बड़ी ही सतर्कता से काम लेना होगा, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए निम्मो शक भरी आवाज में उस आदमी से बोली, लेकिन पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हैं कौन और मैं आप पर यकीन क्यों करूँ, क्योंकि आप जो बात कहने आए हैं हो सकता है वो बात छोटे मालिक के खिलाफ हो, और भला पाली में ऐसा कौन है जो छोटे मालिक के खिलाफ जाने की हिम्मत करके मेरी मदद करेगा। मेरे पति ने तो बहुत लोगों की मदद की थी, उनमें से तो कोई मेरा हालचाल तक लेने नहीं आया है, फिर आप मेरी इतनी बड़ी मदद क्यों करना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप हैं कौन, ये चादर हटाइए और अपना चेहरा दिखाइए। ये सुनकर वो आदमी कुछ सेकंड के लिए तो चुपचाप खड़ा रहा, फिर वापस मुड़कर चल दिया। ये देखकर निम्मो घबराती हुई बोली, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप। वो आदमी रुका और बिना पीछे पलटे ही बोला, आपको मेरा चेहरा देखने में दिलचस्पी है, मेरी बातों में नहीं, और मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, आपको नहीं सुनना तो आपकी मर्जी। इतना कहकर वो एक बार फिर आगे बढ़ गया, लेकिन इससे पहले वो भाग पाता ध्रुव ने तुरंत उसे पकड़ लिया। ध्रुव को अचानक देखकर वो आदमी छटपट आ गया था। ध्रुव ने उसके चेहरे से जबरदस्ती चादर हटाई तो ध्रुव उसे पहचान गया। ध्रुव उसका नाम तो नहीं जानता था, लेकिन वो इतना तो जानता था कि ये हवेली का ही एक दरबान था। ये वही दरबान था जिसने महादेव के एक्सीडेंट की खबर सुमेर को दी थी। वो दरबान घबरा गया और घबराते हुए बोला, देखो देखो, मेरा नाम किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, अगर छोटे मालिक को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे, मेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। इतना कहते हुए उसने जमीन पर गिरी अपनी चादर को उठा लिया और एक बार फिर अपने आप को छुपा लिया। ध्रुव ने कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि वाकई में कोई सच्चा आदमी हमारी मदद को आया था या ये सुमेर की कोई साजिश थी, आप तो उसके दरबान है ना। उस आदमी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मैं जानता हूँ महादेव जी के साथ क्या हुआ था, मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे हुआ और क्यों, लेकिन जो हुआ था वो मैं जानता हूँ। उसके बाद छोटे मालिक की जो प्रतिक्रिया थी उसे देखने के बाद मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि महादेव जी के गायब होने में उन्हीं का हाथ था। देखिए, महादेव जी ने एक बार मुझे छोटे मालिक के गुस्से से बचाया था और
इसलिए मैं उनका एहसान चुकाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मेरा चेहरा देखें, लेकिन अब जबकि आप लोगों ने मुझे देख लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे और जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपने हिसाब से आगे समझेंगे। ध्रुव ने कहा, देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप हमें जो कुछ भी बताएंगे वो सुनने के बाद हम आपको नहीं जानते, बल्कि हम आपसे कभी मिले ही नहीं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ध्रुव की बात पर निमो ने भी हाँ में हाँ मिलाया और हाथ जोड़ती हुई बोली, देखो भैया जो भी बात है मुझे बता दो, मैं आपके आगे विनती करती हूँ। दरबान ने कहा, उस दिन आधी रात के समय छोटे मालिक से मिलने बहुत सारे लोग आए थे। छोटे मालिक कुछ गुस्से में भी लग रहे थे। महादेव जी भी बहुत सतर्क थे, बल्कि हवेली में तो बहुत सारी लाइट्स भी लगाई गई थी जो दूर दूर तक जंगल को रोशन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी चीज की तलाश कर रहे थे। और फिर कुछ देर के बाद महादेव जी जीप लेकर निकल गए। दरअसल छोटे मालिक ने ही उनको जीप से भेजा था। महादेव जी छोटे मालिक से ये कहकर निकले थे कि उनके घर में कुछ जरूरी काम था, और क्योंकि रात का वक्त था इसलिए छोटे मालिक ने मेरे साथ ही खड़े दूसरे दरबान को कहा था कि वो महादेव जी को उनके घर तक सुरक्षित छोड़कर आए। और जब वो लोग निकले उसके कुछ ही देर के बाद एक बड़ा धमाका सा हुआ और मेरा साथी दरबान भागता हुआ लौट कर आया और बोला कि जीप पलट गई थी और महादेव जी जंगल में गिर गए थे। उसने उन्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिले। जब मैंने ये सारी बातें छोटे मालिक को बताई तो उनकी प्रतिक्रिया बड़ी विचित्र थी, जैसे कि वो इस बात पर खुश हो रहे थे, जैसे उन्हें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा ही कुछ था। तो ये देखकर मैं डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। छोटे मालिक ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ चलकर देखूं। मैं कुछ दूर तक तो उनके साथ गया लेकिन फिर मैं इतना डर गया था कि मैं वापस आ गया, उससे आगे बढ़ने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर जब छोटे मालिक लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि महादेव जी बिल्कुल ठीक हैं और वो जीप लेकर अपने घर चले गए, जबकि मेरे साथी ने बताया कि जीप की जो दुर्दशा हुई थी उसके बाद उस जीप का चलना तो छोड़ो चालू तक नहीं हो सकती थी। उसके बाद से ना तो महादेव जी का कोई पता है और ना उनके बारे में कोई खबर। दरबान की सारी बात सुनने के बाद ध्रुव के दिमाग में वही रात आ गई जब वो लोग हवेली गए थे, क्योंकि ये सारा सीन उसी रात को हुआ था। ध्रुव अपने मन में बोला, इसका मतलब हम लोगों को बेसमेंट तक छोड़ने के बाद महादेव अपने घर के लिए निकला था। शायद वो डर गया होगा कि अगर सुमेर को पता चला कि महादेव मुझे और मेरे दोस्तों को नीचे तक लेकर आए हैं तो सुमेर उसके साथ कुछ बहुत बुरा कर लेगा, और शायद सुमेर को उस दिन से पहले से ही पता था कि महादेव हम लोगों के साथ मिला हुआ है और इसलिए सुमेर ने ये सब कुछ किया। तभी अचानक से महादेव की पत्नी रोती हुई बोली, लेकिन ऐसा कैसे संभव है, वो तो घर आई ही नहीं, और घर पर कोई जरूरी काम कैसे हो सकता है, मेरी तो उनसे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। दरबान बोला, देखिए जो भी बात थी मैंने आपको सब बता दी है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, और ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि यहाँ से आप लोगों को आगे का कोई सुराग मिल सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगर किसी ने भी मुझे देख लिया तो फिर मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं आप फिक्र मत करिए, आप जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। वो आदमी जल्दी जल्दी वहां से चला गया। वो इतना घबराया हुआ था कि उसने एक बार पीछे पलट कर भी नहीं देखा। ध्रुव और निम्मो वहीं खड़े उस आदमी को जाते हुए देखते रहे। निम्मो ने ध्रुव की तरफ देखा और बोली, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच बोल रहा था? ध्रुव बोला, देखिए भाभी, इसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, और ये दरबान है, भला ये सुमेर के खिलाफ कुछ क्यों बोलना चाहेगा, और मुझे इसकी बातों में कहीं भी शक की बात तो नहीं लगी, और रही इस बात को कन्फर्म करने की तो ये तो पुलिस ही कर पाएगी। निम्मो ने कहा, लेकिन कैसे? ध्रुव बोला, जिस तरह से इस आदमी ने आपको मिलने के लिए बुलाया था उसी तरीके से हमें पुलिस तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी, उसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर पाएगी, क्योंकि अक्सर पुलिस को सिर्फ एक मजबूत शक की जरूरत होती है, वो मिल जाए फिर तो बाल की खाल निकालना उन्हें अच्छे से आता है। अच्छा ठीक है, अब एक काम करिए, आप घर जाइए, रात बहुत हो गई है और इस तरह से आपका अकेले घूमना ठीक भी नहीं है, कोई देखेगा तो बात का बतंगड़ बनेगा, आप चलिए मैं मंदिर में दर्शन करके आता हूँ। निम्मो ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बड़े बड़े कदमों से गांव की तरफ लौट गई और ध्रुव मंदिर की तरफ बढ़ गया। मंदिर में जाकर उसने देखा पुजारी जी पूरी निष्ठा के साथ मंदिर की साज सजावट कर रहे थे। ध्रुव बोला, क्या बात है पुजारी जी, संध्या आरती तो कब की हो गई होगी, तो इस वक्त मंदिर में ये साज सजावट किस बात की हो रही है? ध्रुव की आवाज पर पुजारी जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, बहुत समय से प्रभु की सेवा का मौका नहीं मिला है ना, तो बस अब अपने अरमान पूरे कर रहा हूँ। ध्रुव ने कहा, सही है, चलिए मैं भी आपकी मदद करता हूँ। ध्रुव पुजारी जी के साथ मंदिर की सजावट करने लगा
और साथ ही अभी अभी हुई घटना के बारे में भी सारी बातें उसने पुजारी जी को बता दी, सिवाय एक चीज के कि वो आदमी कौन था। ध्रुव उस आदमी की आइडेंटिटी के बारे में खामोश रहा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में विवेक महादेव के केस के बारे में ही सोच रहा था, तभी लैंडलाइन पर एक कॉल आया। विवेक इतना खोया हुआ था कि उसे फोन की रिंग ही सुनाई नहीं दे रही थी। मक्का ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो हवलदार, मक्का बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से उसे कुछ कहा गया था, जिसे सुनकर पहले तो वो घबरा कर विवेक की तरफ देखने लगा और फिर बोला, ठीक है समझ गया। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। तब तक विवेक की नजर मक्का के चेहरे पर पड़ गई थी। मक्का थोड़ा सा नर्वस नजर आ रहा था। विवेक ने कहा, क्या हुआ, किससे बात कर रहे थे? मक्का ने कहा, वो एक पुराना केस नहीं था जब हमारी मंत्री जी के यहाँ गाड़ी चोरी हो गई थी, उसी के बारे में फोन था। अब आपको तो पता ही है, ये सब मंत्री लोग बड़े आदमी हैं, उन लोगों का मामला हो तो अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। मैं तो फिर भी मामूली हवलदार हूँ, बस इसलिए थोड़ा, वो आपने फोन नहीं उठाया, शायद कुछ सोच रहे थे इसलिए मैंने ही फोन उठा लिया। विवेक ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, और कोई मंत्री हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम जो हो, तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। मक्का ने कहा, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, अब मैं निकलूं? विवेक ने घड़ी की तरफ देखा और बोला, अभी अभी तो तुम्हारी ड्यूटी ओवर होने में 3 घंटे हैं। मक्का ने कहा, आपको तो पता ही है मेरी नई नई शादी हुई है। विवेक बोला, तुम्हारी उस नई शादी को होकर 3 साल हो गए, आगे बोलो। मक्का बोला, हाँ मतलब वही, तो मेरी पत्नी सिनेमा जाने के लिए कह रही थी, तो अगर मैं यहाँ से समय से निकल जाता तो उसे सिनेमा भी ले जाता, कुछ खिला पिला भी देता। कई दिनों से नाराज चल रही है, और अगर आज भी मैं उसे सिनेमा दिखाने नहीं ले गया तो वो अपने मायके चली जाएगी, और वो धमकी भी दी है कि फिर लौट कर भी नहीं आएगी। अब आपको तो पता ही है मेरी नई नई शादी है, और इस नई नई शादी में तलाक हो जाएगा। विवेक बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, पूरी महाभारत सुनाने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। मक्का ने विवेक को सल्यूट किया और पीछे पलटा कि तभी विवेक बोला, 1 मिनट रुको। मक्का बोला, जी साहब। विवेक ने कहा, अब नई नई शादी में नई नई दुल्हन को लेकर अपनी उस फटफटिया पर जाओगे जो हर 2-2 मिनट पर बंद पड़ जाती है? एक काम करो, जीप लेकर जाओ, वैसे भी आज रात मैं यही रुकने वाला हूँ, सुबह आ जाना टाइम से। मक्का ने जीप की चाबी उठाई और बोला, आप कितने अच्छे हैं साहब। विवेक बोला, सुबह टाइम से आ जाना वरना सस्पेंड कर दूंगा। मक्का बस हाँ में सर हिलाकर रह गया और जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। विवेक जाते हुए उसे ध्यान से देखता रहा, और जैसे ही मक्का पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, विवेक ने एक दूसरे हवलदार को बुलाया और बोला, इसके पीछे जाओ और पता करो कि ये कहाँ जा रहा है। हवलदार तुरंत विवेक को सलाम करके वहां से चला गया। विवेक ने कहा, मक्का मैं दूर से ही उड़ते हुए चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ, और तुम मुझे ही चालबाजी का चूर्ण दे रहे हो। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा ये झूठ कोई मामूली झूठ ही निकले। एपिसोड 820, अनन्या पर शक। हवलदार मक्का पर इंस्पेक्टर विवेक को शक तो था, लेकिन फिर भी वो उम्मीद कर रहा था कि मक्का ऐसा कुछ ना करे जिससे कि विवेक का भरोसा टूटे। वो बेसब्री से अपने दूसरे हवलदार के लौटने का इंतजार कर रहा था, जिसे उसने मक्का के पीछे लगाया था। कुछ ही देर बाद विवेक के मोबाइल पर उस दूसरे हवलदार का फोन आया, और उसकी बात सुनकर विवेक तुरंत उठकर बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन से काफी दूर, जहां पर बस्ती खत्म होती थी और हाईवे वाला हिस्सा शुरू होता था, विवेक उसी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी बाइक को बहुत पीछे खड़ा किया, और जब विवेक ने सामने देखा तो उसे वो दूसरा हवलदार नजर आया जो विवेक के आने का ही इंतजार कर रहा था। विवेक हवलदार के पास गए और बोला, क्या हुआ, मक्का कहाँ है, तुमने क्या देखा? हवलदार ने बोला, सर वो देखिए, हाईवे के दूसरी तरफ मक्का जी किसी से मिलने गए हैं, कोई आदमी है, लेकिन वो आदमी कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मक्का जी ने पहले तो इसका इंतजार किया और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी आया, और अभी भी मक्का जी उसी के साथ है। विवेक ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाईवे पर जल रहे हल्के हल्के लाइट्स में वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मक्का के साथ कौन था। तभी विवेक ने देखा कि जिस आदमी से मक्का बात कर रहा था, वो जो कोई भी था, वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और वहां से निकल गया। उसके बाद मक्का भी अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। विवेक ने उस हवलदार से तुरंत लौटने को कहा, और वो खुद भी अपनी बाइक पर सवार होकर वापस पुलिस स्टेशन आ गया। उसके दिमाग में मक्का की यही हरकत घूम रही थी। वो मन ही मन बोला, आखिर मक्का किससे मिलने गया था, और अगर उसे किसी काम से जाना भी था तो यूं झूठ बोलकर जाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी।
साथ में ये बात भी सोचने वाली है कि जिससे मक्का मिलने गया था वो आदमी जिस गाड़ी में आया था वो काफी महंगी गाड़ी थी, यानी कि वो आदमी जरूर कोई पैसे वाला होगा। इतना सोचते हुए विवेक ने गहरी सांस ली। अब तो विवेक के पास सुबह मक्का के लौट कर आने का इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एक तरफ जहां इंस्पेक्टर बेचैन था, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जब घर लौट कर आया और उसने अपने दोस्तों को बताया कि महादेव के साथ असल में क्या हुआ था, तो ध्रुव की बात सुनने के बाद सब हैरान थे। तारा ने अफसोस के साथ कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मतलब अगर उस दिन महादेव भैया ने तुम लोगों की मदद नहीं की होती तो शायद वो डर के मारे भागने की कोशिश नहीं करते और उनके साथ वो सब कुछ नहीं होता। ध्रुव ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है तारा, सुमेर को पहले से ये सब पता था और वो बस सही मौके के इंतजार में था। और वैसे भी सुमेर के एक वार से हमने पुजारी जी को बचा लिया था। जंगल में जो कुछ भी हुआ, वायत्रा ने जो किया उसके बाद उसे तुरंत ही दूसरी बॉडी की जरूरत थी और उसने उस वक्त महादेव का इस्तेमाल किया। हालांकि अगर उसे बॉडी की जरूरत नहीं होती तो हो सकता है वो महादेव को बाद में नुकसान पहुंचाता, लेकिन नुकसान पहुंचाता तो जरूर, इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। तारा अफसोस के साथ बोली, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, सुमेर ने टारगेट तो मनवा को भी किया था लेकिन उसे तो हमने किसी तरह बचा लिया था, लेकिन अफसोस महादेव को नहीं बचा पाए। या यूं कहें कि सुमेर ने जानबूझकर हमें उसे बचाने का मौका ही नहीं दिया। वो इसीलिए इतने वक्त तक शांत था ताकि हमें कानो कान भनक ना लगे कि उसे महादेव के बारे में पता चल गया है। ध्रुव ने कहा, जो होना था वो हो गया है, अब हमें किसी भी तरीके से महादेव को इंसाफ दिलाना है। और अच्छी बात है कि इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व है और हमें अब कुछ नए लीड्स भी मिले हैं। अब मैं जल्द से जल्द कल सुबह इंस्पेक्टर तक ये सारी लीड्स पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी तुम लोग चलकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, अनन्या ने कहा। लेकिन अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है, ध्रुव बोला। मुझे भूख नहीं है, तुम लोगों ने नहीं खाया है तो खा लो, अनन्या बोली। ऐसे कैसे तुम नहीं खाओगे? तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। रितु उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसकी नजर ना जाने क्यों अनन्या के ऊपर ही टिकी हुई थी, लेकिन वो चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। अनन्या को देखते हुए उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो ध्रुव से भी कुछ बात करना चाहती थी लेकिन अनन्या के रिएक्शन के बारे में सोचकर वो चाहकर भी ध्रुव से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ध्रुव ने अनन्या को देखकर कहा, ठीक है अब तुम ऐसे तो मानोगी नहीं, एक काम करो अपनी प्लेट में ही मेरे लिए बस एक रोटी ले आना, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। अनन्या मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं अभी लाई। इतना कहकर अनन्या और तारा सबके लिए खाना लगाने चली गई। अनन्या ने ध्रुव के हाथ में प्लेट दे दिया। ध्रुव बोला, मैंने कहा था ना अपनी प्लेट में ही मेरे लिए थोड़ा सा खाना ले आना। अनन्या बोली, तुम्हारा जितना मन है तुम खा लो, फिर तुम छोड़ देना, उसके बाद मैं खा लूंगी। वैसे भी अभी मेरा कुछ खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद ही खाऊंगी। ध्रुव ने कहा, क्यों? मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से तुम खाने पीने को लेकर बिल्कुल ही लापरवाह होती जा रही हो। अनन्या ने कहा, अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम मेरी माँ मत बनो। ध्रुव ने कहा, जो हुकुम मेरे आका। ध्रुव की बात पर अनन्या मुस्कुरा उठी। ध्रुव ने देखा विक्की अभी भी नर्वस सा लग रहा था। ध्रुव ने एक निवाला तोड़ा और विक्की को जबरदस्ती खिलाता हुआ बोला, खाना खा और टेंशन छोड़ दे, तुझे कमजोरी की वजह से चक्कर आया था, ढंग से खाएगा नहीं तो कल सड़क पर भी चलते चलते बेहोश हो जाएगा, फिर बोलेगा कि मैं घर पर भी बेहोश हुआ था लेकिन पता नहीं सड़क पर कैसे आ गया। अब जल्दी से अपना खाना फिनिश कर और जाकर आराम कर। विक्की धीरे धीरे चुपचाप खाना खाने लगा कि तभी रितु बोली, मैं थोड़ी देर खुली हवा में जा रही हूँ, मुझे यहाँ अब सफोकेशन सी हो रही है। इतना कहकर वो बिना किसी की बात सुने ही उठकर बाहर की ओर निकल गई। ध्रुव ने कहा, इसे क्या हुआ? तारा बोली, हो सकता है उसका कुछ पर्सनल मैटर हो, तुम खाओ ना। ध्रुव ने कहा, सागर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसने भी खाना नहीं खाया क्या? तारा ने कहा, नहीं उसने पहले ही खाना खा लिया था, एक्चुअली उसका कोई कॉल आया था तो वो बाहर बात करने के लिए गया हुआ है। ध्रुव ने कहा, चलो ठीक है आओ तुम लोग तो खाना खाओ। फिर सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे थे। उधर रितु बगीचे में जाकर चुपचाप बेंच पर बैठ गई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन ये बात साफ थी अब उसके मन की परेशानियों का जवाब ध्रुव ही दे सकता था। तभी उसके कानों में सागर की आवाज पड़ी जो ऊंची आवाज में किसी से फोन पर बात कर रहा था। रितु ने उठकर इधर उधर देखा तो उसे सागर कहीं नजर नहीं आया। रितु बोली, इसकी आवाज तो आ रही है लेकिन ये है कहाँ? तभी रितु की नजर मेन गेट के बाहर सड़क पर पड़ी। सड़क पर सागर घूमते हुए बात कर रहा था। ये देखकर रितु वापस बैठ गई। थोड़ी देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट करके जब सागर वापस आया तो उसने देखा रितु चुपचाप बैठी हुई थी। सागर रितु के पास जाकर बोला, तुम इतनी रात में बाहर क्यों बैठी हुई हो?
लेकिन ऋतु ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक बार सागर की तरफ देखा और वापस अपने ख्यालों में गुम हो गई। सागर चुपचाप उसके बगल में बैठ गया और ऋतु की तरफ देखने लगा। ऋतु ने एक नजर उसकी तरफ देखा और अपनी नजरें फेर ली। सागर ने कहा, इफ यू डोंट माइंड, तुम मेरे साथ अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। ऋतु ने लापरवाही से कहा, और तुमसे किसने कहा कि मुझे कोई परेशानी है? सागर ने कहा, तुम्हारे चेहरे को देखकर कोई भी समझदार इंसान समझ सकता है कि तुम्हें कोई परेशानी है या फिर तुम कुछ बहुत ही गहराई से सोच रहे हो। मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर कहीं ना कहीं डर भी दिखाई दे रहा है। देखो, मैं तुम्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे तो मुझे बता सकती हो, क्या पता मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन ही दे दूं। सोल्यूशन ना सही, कम से कम अपने मन की बात को शेयर करके शायद तुम्हें कुछ बेहतर महसूस हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स रैंडम इंसान से शेयर करते हैं तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है। ऋतु ने अब भी सागर से कुछ नहीं कहा। सागर थोड़ी देर तक तो बैठा रहा और फिर उठकर खड़ा हो गया और ऋतु से बोला, एनीवे, अगर तुम्हें नहीं बताना तो मुझे कोई इशू नहीं है, गुड नाइट। इतना कहकर सागर जैसे ही जाने लगा कि तभी ऋतु बोली, सागर। सागर ने एकदम से पीछे पलट कर देखा। वो ऋतु की आवाज से ये जान पा रहा था कि ऋतु वाकई में बहुत परेशान थी। सागर बोला, तुम्हें कुछ कहना है? ऋतु बोली, बैठो। सागर चुपचाप बैठ गया और ऋतु की तरफ देखने लगा। वो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। ऋतु ने कहा, तुम इतनी ऊंची आवाज में किससे बात कर रहे थे? सागर ने कहा, तुमने ये पूछने के लिए मुझे रोका है? ऋतु बोली, नहीं, ये पूछने के लिए तो नहीं रोका है, लेकिन। सागर ने कहा, लेकिन क्या? ऋतु बोली, तुम सही कह रहे हो, मैं कुछ सोच रही हूँ, मुझे सफोकेशन सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हाँ, ये भी सच है कि कहीं ना कहीं मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में सोचकर डर भी लग रहा है, लेकिन वो क्या बात है मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। सागर बोला, अच्छा तो ये बात है, होता है, कई बार ऐसा हो जाता है। अच्छा, क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम्हें ये सफोकेशन किसकी वजह से हो रही है? शायद मैं कुछ बेहतर समझ सकूं। ऋतु ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, पता नहीं। फिर सागर एक एक करके सबका नाम लेने लगा और आखिर में उसने अनन्या का नाम लिया, जिसे सुनकर ऋतु के चेहरे की शिकन और बढ़ गई थी। ये देखकर सागर बोला, देखो, मैं समझ सकता हूँ कि ध्रुव के लिए जो तुम फील करती हो। सागर इतना बोला ही था कि ऋतु एकदम से बोली, नहीं नहीं सागर, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे मन में ये सब नहीं चल रहा था, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। ये सुनकर सागर एकदम से एम्बेरेस्ड लगते हुए बोला, ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने सोचा कि शायद तुम, सॉरी ऋतु, आई डिडंट मीन टू। ऋतु बोली, अरे रिलैक्स, इट्स ओके, इतना सॉरी बोलने की नीड नहीं है। सागर कंफ्यूज्ड लगता हुआ बोला, अगर ये बात नहीं थी तो फिर क्या बात थी? ऋतु एक गहरी सांस लेती हुई बोली, जब विक्की बेहोश हुआ तो उसने कुछ अजीब सी बातें कही, सबने कहा कि उसका वहम होगा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उसकी बातों से डर लगने लगा है। हो सकता है कि वाकई में उसका वहम था, लेकिन अगर वो सब सच हुआ तो। बस यही बातें मैं ध्रुव के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि हो सकता है कि वो इस सिचुएशन को मुझसे बेहतर समझाओ, लेकिन अनन्या के सामने मैं ध्रुव से ये बात कैसे करूं, और अकेले में उससे बात करना सही नहीं रहेगा। देखा ना, अभी तुम भी यही सोच रहे थे कि मैं ध्रुव और अनन्या की क्लोजनेस को लेकर परेशान हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि किसी और के माइंड में, स्पेशली अनन्या के दिमाग में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सागर गहरी सांस लेकर बोला, हाँ अच्छा, तो ये बात है। देखो ऋतु, शायद इस मैटर में भी मैं तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल साबित ना हो पाऊँ, लेकिन ये बात तो तुम मुझसे बेहतर समझती हो कि जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो ध्रुव सबसे ज्यादा सतर्क रहा है, इसलिए शायद ध्रुव के रहते कोई किसी बात की टेंशन लेता ही नहीं है। तो मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि तुम भी कोई टेंशन मत लो और थोड़ा रिलैक्स करो। थोड़ी देर तक ऋतु सागर की कही बात के बारे में सोचती रही। ये देखकर सागर बोला, अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो? ऋतु बोली, सोच कुछ नहीं रही थी, बस आई एम सरप्राइज्ड कि तुमने मेरी बात को समझने की कोशिश की और मुझे समझाने की कोशिश की। इस बात पर सागर मुस्कुरा उठा और मजाकिया अंदाज में बोला, ओ हेलो मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम वैसे सिर्फ तुम्हें थी मुझसे, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सुनकर दोनों हंसने लगे। फिर सागर बोला, चलो अब लगता है तुम्हें कुछ बेटर फील हो रहा है, और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो मैं सोने चलता हूँ, गुड नाइट। ऋतु भी मुस्कुरा कर बोली, गुड नाइट एंड थैंक यू। सागर वहां से उठकर चला गया और ऋतु से जाते हुए देखकर मुस्कुराती रही और मन ही मन बोली,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि सागर से 2 मिनट बात करके मेरा मूड एकदम ही चेंज हो जाएगा और मुझे बेटर फील होने लगेगा। इतना सोचती हुई रितु भी अपने कमरे में जाकर सो गई। उसी रात करीब आधी रात को सबके सोने के बाद अचानक से लगातार 20 मिनट से खटपट की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज को उठा पटक किया जा रहा था। ध्रुव की आंख खुल गई थी। उसने गौर से उस आवाज को समझने की कोशिश की तो वो नीचे के फ्लोर से आ रही थी। ध्रुव ने टाइम देखा और बोला, इतनी रात में ये आवाज कैसी? ध्रुव धीरे से जब नीचे आया तो उसने देखा लड़कियों के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, वहीं ठकुराइन और चेरी के कमरे का दरवाजा बंद था। अभी फिर से वही आवाज दोबारा आई और ध्रुव ने पीछे पलट कर देखा और बोला, लगता है ये आवाज बेसमेंट से आ रही है, लेकिन इस वक्त बेसमेंट में कौन गया होगा? एपिसोड 821, मक्का का झूठ। बेसमेंट से आई आवाज को सुनकर ध्रुव हैरानी से बोला, आखिर इस वक्त बेसमेंट में कौन हो सकता है? ध्रुव धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जब वो बेसमेंट के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और भीतर से वही आवाज आ रही थी। ध्रुव ने बाहर से पूछा, कौन है, कौन है अंदर? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ध्रुव ने फिर से बोला, कमाल है, दरवाजा खुला हुआ है, आवाज आ रही है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। तभी किसी ने ध्रुव के कंधे पर पीछे से हाथ रखा। ध्रुव ने चौंकते हुए पीछे पलट कर देखा तो सामने छलावा खड़ा था जो हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। ध्रुव ने बोला, तू है? छलावा ने कहा, आखिर तुम इतना क्यों चौंक गए, डर गए क्या? ध्रुव मुस्कुरा कर बोला, नहीं नहीं, लेकिन सब सो रहे थे ना तो मुझे लगा कि आखिर यहाँ पर कौन हो सकता है। छलावा ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कहा, दरअसल नीचे से कुछ आवाजें आ रही थी, जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा कि वो आवाज बेसमेंट से आ रही थी और दरवाजा भी खुला हुआ था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा है। छलावा ने कहा, तो अंदर चलकर देखते हैं ना। इससे पहले कि ध्रुव और छलावा अंदर जा पाते, भीतर से अनन्या के चीखने की आवाज आई। अनन्या की आवाज सुनकर ध्रुव बोला, अनन्या, अंदर अनन्या है? इतना कहते हुए वो दोनों बिना देरी के अंदर की तरफ भागे। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, ध्रुव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। छलावा तुरंत भागते हुए बाहर गया और किचन में जो इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी उसे उठाकर ले आया। जैसे ही इमरजेंसी लाइट की रोशनी हुई, ध्रुव ने देखा अनन्या कोने में एक दीवार से चिपकी हुई थी और अपने घुटनों में अपना सिर छुपाए जोर जोर से रो रही थी। अनन्या को देखते ही ध्रुव उसके पास भागा, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव उसे छू पाता, अनन्या एकदम से उठकर खड़ी हो गई और ध्रुव से दूर जाकर बोली, ध्रुव वो यहाँ पर वो। ध्रुव ने कहा, क्या यहाँ पर, क्या है यहाँ? अनन्या इधर उधर घबरा कर देखती हुई बोली, पता नहीं, यहाँ पर कोई था, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया था, मैं उसके पीछे पीछे यहाँ तक आई तो मैंने देखा कि यहाँ चारों तरफ आग लगी हुई थी और उसके बाद मेरी चीख निकल पड़ी और अब यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, अब मेरे सामने तुम खड़े हो, लेकिन यहाँ कोई था, कोई तो जरूर है जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। शायद विक्की सही कह रहा था, जरूर उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा जैसे मेरे साथ हुआ है। ध्रुव ने कंफ्यूज नजरों से चारों तरफ देखा और बोला, अनन्या यहाँ कोई नहीं है, तुम सबको बस वहम हो रहा है और कुछ नहीं। अच्छा इधर आओ, तुम पहले मेरे पास आओ। इतना कहकर ध्रुव एक बार फिर अनन्या की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही ध्रुव उसे गले लगाने लगा कि तभी अनन्या ने उसे जोर से धक्का दे दिया। इससे पहले कि ध्रुव जमीन पर गिरता, छलावा ने उसे पकड़ लिया। ध्रुव आगे बढ़ते हुए अनन्या की तरफ देखता हुआ बोला, अनन्या क्या हो गया है तुम्हें? अनन्या ने अपनी नजरें झुका ली और इधर उधर देखकर बोली, मुझे रेस्ट करना है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। जाती हुई अनन्या को देखकर कुछ सेकंड के लिए तो ध्रुव की आंखों में हैरानी थी, लेकिन फिर वो एकदम से नॉर्मल हो गया। छलावा ने बोला, ये अनन्या को क्या हो गया, उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, तुम्हें इतनी जोर से धक्का दे दिया? ध्रुव ने कहा, वो परेशान थी ना इसलिए। छलावा बोला, कैसी बात कर रहे हो, अगर वो परेशान थी तो उसे तुम्हारी जरूरत होगी, लेकिन उसने तो बिल्कुल ही उल्टा व्यवहार किया है। ध्रुव ने कहा, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो, तुम जाकर सो जाओ, मैं बस जरा फ्रेश होकर आता हूँ। छलावा बोला, मुझे तो अनन्या से ज्यादा तुम्हारा व्यवहार अजीब लग रहा है, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है कि अभी इतना कुछ हो गया, देखो तो कितने शांत लग रहे हो तुम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन ध्रुव ने छलावा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ वहां से चला गया। छलावा ने अकेले में कहा, इन दोनों का बिल्कुल समझ में नहीं आता, कभी कभी तो मुझे सुमेर से ज्यादा ये ध्रुव रहस्यमय लगता है और कभी कभी तो इसकी हरकतें मुझे डरा देती हैं। तभी बाहर से ध्रुव की आवाज आई,
मुझे सब सुनाई दे रहा है। अब जाकर सो जाओ। मैं अजीब हूँ, मैं रहस्यमय हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम भी मेरे ही दोस्त रहोगे, सुमेर के दोस्त नहीं बन जाओगे। अब खुद जाओगे सोने या गोद में उठाकर ले जाओ? छलावा ने कहा, धन्यवाद, मेरे पास दो पैर हैं, मैं अपने आप चलकर जा सकता हूँ। इतना कहकर छलावा बाहर निकला और तुरंत ऊपर चला गया। जब छलावा ऊपर कमरे में गया तो सागर उठकर बैठा हुआ था। उसने छलावा को बाहर से आते हुए देखा और कमरे में ध्रुव भी नहीं था, तो उसने छलावा से सवाल किया, कहाँ गए थे तुम दोनों? छलावा ने कहा, पागल होने। सागर बोला, क्या मतलब? छलावा ने कहा, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। इतना कहकर छलावा चद्दर ओढ़कर सो गया। सागर अपने बाल को खुचलाते हुए बोला, अजीब है। छलावा बोला, सुन पा रहा हूं, अब सो जाओ चुपचाप। सागर ने कहा, अरे लेकिन ध्रुव कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा। छलावा बोला, शौचालय गया है, कैसे दिखेगा, वहां से आएगा तब दिखेगा ना। और इतना ही शौक है उसे देखने का तो नीचे जाकर शौचालय में खुद देख लो। इतना बोलकर वो करवट बदलकर सो गया। सागर ने कहा, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहा है, आखिर मैंने क्या किया है? छलावा चिल्लाते हुए उठकर बैठा और चादर फेंक कर बोला, तो मैंने कुछ किया है? सागर ने बोला, नहीं लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिस बात से तुम इतना चिढ़ रहे हो। छलावा ने कहा, तो तुम क्या कह रहे हो? सागर हैरानी से छलावा को देखते हुए बोला, क्या हो गया है तुम्हें, तुम झगड़ा करने के मूड में क्यों लग रहे हो? छलावा ने कहा, क्योंकि मैं पागल हो गया हूँ, उस ध्रुव की वजह से मैं पागल हो गया हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें पागल कर दूं, मुझे सो जाने दो और तुम भी सो जाओ। इतना बोलकर छलावा वापस सो गया। सागर भी चुपचाप लेट गया और अपने मन में बोला, अभी इससे बात करने में खतरा है, सुबह बात करूंगा। तभी ध्रुव कमरे में आया और बोला, क्या बड़बड़ा रहे हो अकेले में? ध्रुव की आवाज सुनकर सागर उठकर बैठ गया और बोला, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, बोल तो ये छलावा रहा था, अजीब तरह के लड़ने के मूड में था, आखिर हो क्या गया इसको? सागर की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, कभी कभी इसको भी दौरे पड़ जाते हैं, विक्की की तरह। सागर ने कहा, पता नहीं क्या हो गया, अभी नीचे से आया था शायद और मुझसे लड़ने के लिए तैयार बैठा था, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये मुझसे लड़ क्यों रहा है। छलावा ने अपने मुंह से चादर हटाई और बोला, अगर तुम दोनों ने जरा सा भी शोर किया ना तो मैं अभी तो लड़ा नहीं हूँ लेकिन अब जरूर लड़ाई हो जाएगी। एक तो अजीब अजीब हरकतें ये ध्रुव खुद करता है और कहता है मुझे दौरे पड़ रहे हैं। ध्रुव ने कहा, अच्छा मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे, तुम सो जाओ, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दिन भर की थकान के बाद मेरे शरीर में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची है कि मैं तेरे साथ लड़ाई कर सकूं। इतना कहकर ध्रुव भी चुपचाप लेट गया और एक साइड में सोए विक्की की तरफ देखकर बोला, इतना सब कुछ शोर मच गया लेकिन इसकी नींद नहीं खुली, देखो तो कितना मासूम बनकर सो रहा है। सागर ने कहा, नींद कैसे खुलेगी, तारा ने इसे पेन किलर की मेडिसिन दी थी, उस दवाई से नींद भी तो आती है ना, इस वजह से ये गहरी नींद में सो रहा है। ध्रुव बोला, हाँ थोड़ा अच्छे से नींद लेगा तो उसका स्ट्रेस भी कुछ कम होगा। अगली सुबह जब सबकी आंखें खुली तो ध्रुव घर पर नहीं था। सबको लगा कि शायद वो अपने ध्यान के लिए गया होगा क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं थी और किसी ने भी इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी भी नहीं समझा, और बात भी सही थी, ध्रुव अपना ध्यान रखने के लिए खुद ही काफी था। वही पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विवेक, जो पूरी रात घर नहीं गया था और अपनी कुर्सी से हिला तक नहीं था, उसकी झपकी लग गई थी। सुबह सुबह का समय था कि तभी एक हवलदार ने आकर उसके टेबल पर चाय रखी और चाय के साथ साथ अखबार भी रख दिया। विवेक ने जैसे ही अखबार खोला, अखबार के अंदर हाथ से लिखा हुआ एक नोट था। ये देखकर विवेक ने हवलदार से पूछा, ये नोट किसने रखा है? हवलदार ने कहा, पता नहीं सर, ये तो हम लोगों ने भी नहीं देखा, मैं तो बस अखबार लेकर आया हूँ, शायद अखबार में ये पहले से ही किसी ने रख दिया होगा। सबसे पहले तो विवेक उठकर बाहर गया ये देखने के लिए कि बाहर कोई था तो नहीं जिसने वो नोट अखबार में रखा था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। विवेक अपनी आंखों को साफ करता हुआ खुद से बोला, इंस्पेक्टर विवेक, ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं आप? अगर किसी ने जानबूझकर ये नोट आपको भेजा होगा तो क्या वो बाहर इंतजार कर रहा होगा कि आप आए और उसे देखें? लेकिन देखो तो सही, इस नोट में आखिर लिखा क्या है? उस नोट में वही सारी बातें लिखी गई थी जो पिछली रात उस दरबान ने ध्रुव और महादेव की पत्नी से कही थी। जैसे जैसे विवेक वो नोट पढ़ता जा रहा था, उसके माथे पर शिकन बढ़ती जा रही थी। नोट खत्म होने के बाद उसने इसकी लिखावट को ध्यान से देखा और उसे फोल्ड करके अपनी जेब में रख दिया और टाइम देखते हुए उस हवलदार को आवाज लगाई जो वो अखबार देकर गया था। फिर उस हवलदार से बोला, मक्का नहीं आया अब तक? उसकी ड्यूटी का टाइम तो अब से आधा घंटा पहले ही शुरू होता है ना, वो लेट क्यों हुआ, कोई खबर आई उसकी तरफ से? हवलदार इनकार करता हुआ बोला, नहीं सर। तो विवेक ने कहा, ठीक है तुम जाओ। विवेक वही चहलकदमी करने लगा और मक्का का इंतजार करने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद जीप की आवाज सुनाई थी।
विवेक ने देखा तो वो मक्का था। उसे देखकर विवेक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मक्का विवेक के पास आया और उसे सल्यूट करके जैसे ही अंदर जाने लगा कि विवेक ने कहा, अरे कुछ बताओ तो सही। मक्का झटपटा कर बोला, क्या सर? विवेक ने कहा, यही कि कौन से सिनेमा गए थे, कैसा रहा सब, अब सब ठीक तो है ना? अब तो तुम्हारी पत्नी नाराज नहीं है? मक्का इनकार करता हुआ बोला, नहीं नहीं सर, अब सब ठीक है। आपकी वजह से अब सब कुशल मंगल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी भी आपको धन्यवाद कह रही थी। विवेक मुस्कुरा कर बोला, अपना फोन देना। मक्का बोला, फोन क्यों सर? विवेक ने कहा, एक फोन करना था। दरअसल मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है, तो एक बहुत ही अर्जेंट कॉल करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं तुम्हारे मोबाइल से किसी को कॉल करूं तो? मक्का बोला, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल विवेक के हाथ में दे दिया और विवेक जल्दी जल्दी कॉल मिलाने लगा। कुछ रिंग के बाद जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ, विवेक ने फोन को स्पीकर पर लगा दिया। वो आवाज किसी औरत की थी। मक्का को आवाज पहचानते हुए देर नहीं लगी, ये आवाज मक्का की पत्नी की थी। फोन उठाते ही विवेक ने कहा, नमस्कार भाभी जी, इंस्पेक्टर विवेक बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से मक्का की पत्नी ने भी उसके नमस्कार का जवाब दिया तो विवेक बोला, माफ कीजिएगा, मुझे बहुत अफसोस है कि कल मक्का घर नहीं जा सका। दरअसल मैं उसे अभी घर भेज ही रहा था, लेकिन वो घबरा रहा था कि आप नाराज होंगी, तो माफी चाहता हूँ। आप उससे नाराज मत होइएगा। दरअसल एक बेहद इम्पोर्टेंट केस आ गया था, इसलिए मक्का सारी रात मेरे साथ उसी में लगा रहा। विवेक की बात सुनकर मक्का डर के मारे उसकी तरफ देखे जा रहा था और पूरा पसीने से भीग चुका था। विवेक ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और बड़े प्यार से उसके माथे से पसीना साफ करने लगा। मक्का को लग रहा था कि धरती फटे और वो उसमें समा जाए। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे और विवेक आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी दूसरी तरफ से मक्का की पत्नी बोली, कोई बात नहीं साहब, मैं जानती हूँ पुलिस वालों का काम बहुत मुश्किल होता है और आपको फोन करने की क्या जरूरत थी। मैं तो ऐसे ही उनको डराने के लिए नाराज हो जाती हूँ। मैं नहीं समझूंगी उनके परेशानी तो कौन समझेगा। उनको बोलिए डरे नहीं और घर आ जाए, मैं उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर रखती हूँ। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर विवेक ने फोन कट किया और मक्का का मोबाइल उसकी जेब में रखकर उसके कंधे पर थपकी देकर चुपचाप पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। मक्का के पैर डर के मारे कांप रहे थे। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो विवेक के पीछे जाए, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो धीरे धीरे उसके पीछे पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। एपिसोड 822, ध्रुव क्या करना चाहता है। डर के मारे मक्का की हालत खराब थी। अब वो समझ गया था कि विवेक को उसका सच पता चल गया था कि पिछली रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं था बल्कि कहीं और ही था। मक्का अपने कदम आगे बढ़ाता हुआ धीरे से बोला, मैं साहब को सब बता दूंगा, मैं सब सच बता दूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने साहब को धोखा नहीं दिया है। मैं चाहता था कि साहब को ये सब चीजें पता न चले, लेकिन अब जबकि साहब को मुझ पर शक हो रहा है तो मैं ये चीज उनसे छुपा नहीं सकता। मुझे उन्हें अब सब सच बताना ही होगा। मक्का जैसे ही विवेक के सामने गया, विवेक ने बड़े ही आराम से कहा, मक्का वो सामने वाले टेबल पर जो भी फाइल्स पड़ी हुई है वो जरा इधर दे दो। मक्का हैरान था। वो मन ही मन बोला, जब इंस्पेक्टर साहब को पता है कि मैंने झूठ बोला है तो फिर वो मुझसे इतने आराम से क्यों बात कर रहे हैं? वो ये जानना क्यों नहीं चाहते कि आखिर मैंने उनसे झूठ क्यों बोला था? मक्का ने चुपचाप टेबल से सारी फाइल्स लाकर विवेक के सामने रखते हुए कहा, साहब वो मुझे आपसे कुछ। विवेक ने फाइल खोला और कहा, हाँ बोलो, कुछ कहना है, कहीं जाना है? जीप की चाबी तो तुम्हारे पास ही है, उसे ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मक्का ने तुरंत ही अपनी पॉकेट से जीप की चाबी निकाली और विवेक के सामने रखता हुआ बोला, साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। इतना कहकर मक्का विवेक के पैरों के पास जाकर बैठ गया। विवेक तुरंत उठकर खड़ा हुआ और मक्का को उठाकर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? मक्का ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है साहब, मुझे आपसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। विवेक ने कहा, लेकिन मैं तो तुमसे इस बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। मक्का ने कहा, मुझे पता है साहब, आप चाहते हैं कि मुझे खुद आत्मग्लानी महसूस हो और मैं खुद आपको आकर सब सच बताऊं, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आपको पहले से ही पता है कि मैं झूठ बोल रहा था, उसके बावजूद भी आप कुछ जानना नहीं चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? मुझे बहुत अफसोस है साहब कि मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए, बस मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं कभी आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। और इस बार भी मेरा इरादा आपका दिल दुखाना नहीं था, आप तो मेरे लिए सब कुछ है, मेरी नौकरी आपकी वजह से है, वरना मेरे जैसे निकम्मे नालायक को पुलिस में भला कौन रहने देता। लेकिन साहब बात ही कुछ ऐसी हुई कि उस वक्त मैं आपको कुछ बता नहीं सका, लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं था कि मैं आपसे ये बात छुपाना चाहता था।
मैं खुद ही सारी बातें आपको बताने वाला था, विवेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। देखो मक्का, मैं जानता हूँ कि तुम काफी जिम्मेदार हो, समझदार भी हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो भरोसे को तोड़ देती हैं। भरोसा शब्द सुनने में काफी भारी है लेकिन बहुत हल्का होता है, बनने में बहुत समय लग जाता है लेकिन टूटने में कोई समय नहीं लगता। और तुम कह रहे हो तुम मुझे बताने वाले थे, कब बताने वाले थे? मक्का ने नजरें झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। आज, मैं आज ही आपको सच बताने वाला था। मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया था लेकिन उससे पहले ही, लेकिन अब मैं आपको सच बताता हूँ। दरअसल ये पहली बार नहीं हुआ था। विवेक आराम से कुर्सी पर बैठ गया और मक्का के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखने लगा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि मक्का अब झूठ बोल रहा था या सच। फिर उसने पूछा, पहली बार नहीं हुआ था मतलब? मक्का ने कहा, दरअसल जब हम कुछ दिन पहले मनवा वाले मामले में पाली गए थे, उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि पाली के जो सरपंच हैं सुमेर जी, घूम फिर कर सारा मामला उन्हीं पर आने लगा था। अब असल वजह क्या थी मुझे ये तो नहीं पता था, लेकिन तब उन्होंने अपने एक आदमी से मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, ये कहकर कि मैं उनका साथ दूं और अगर उनकी गिरफ्तारी का मामला आता भी है तो मैं थाने में उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखूं। विवेक हैरानी से मक्का को देखता रहा। मक्का ने आगे कहा, लेकिन साहब मैंने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद जब महादेव की पत्नी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई तो मुझे नहीं पता कैसे, शायद हमारे बीच उनका कोई खबरी है या क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन उन तक ये खबर पहुंच चुकी थी और वो मुझे अपनी तरफ करना चाहते थे। कल जो फोन आया था जिसके बाद मैं यहाँ से गया था, वो कॉल उन्होंने ही किसी से करवाया था और मैं समझ गया कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। मैंने उन्हें दो टूक शब्दों में जवाब दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कल रात मैं उन्हीं से मिलने हाईवे के पास गया था। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि उसके बदले मुझे बस इतना करना है कि जो जो सबूत पुलिस को उनके खिलाफ मिले उसके बारे में मैं उठ जाकर उनको बताऊं, या फिर सारे सबूतों को किसी तरह खत्म कर दूं और उसी तरह से नकली सबूत भी बनाऊं जो कि ध्रुव के खिलाफ साबित हो। ये सुनते ही विवेक उठकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, तो ये बात है, ये तो हद हो गई, अब तो सुमेर साहब को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। पुलिस को खरीदने की कोशिश करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? इसका मतलब जैसा कि महादेव की पत्नी को शक था तो वाकई में महादेव के गायब होने के पीछे सुमेर बाबू का ही हाथ है, तभी तो डर के मारे वो ये सब कर रहे हैं, और शायद तभी वो नोट किसी ने मुझ तक पहुंचाया है। इसका मतलब है कि उस नोट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका एक एक शब्द सच है। हम अभी इसी वक्त पाली जा रहे हैं। जरा ठाकुर सुमेर सिंह की मेहमान नवाजी का मजा तो लेकर आए, चलो मेरे साथ। इतना कहकर विवेक निकल गया और मक्का उसके पीछे था, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी और कोई घबराहट नहीं थी। दूसरी तरफ जब ध्रुव घर लौटा तो उसे काफी देर हो चुकी थी और अब सबको उसकी चिंता भी हो रही थी। ध्रुव के आते ही अनन्या ने अपने सवालों की लाइन लगा दी। ध्रुव ने कहा, अरे बाबा आज मैं वॉक करने गया था और काफी आगे तक निकल गया, सुबह का टाइम था और बाहर इतना अच्छा लग रहा था कि पता ही नहीं चला कि मैं इतनी दूर चला गया, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। और तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? मैं यहाँ कोई नया थोड़ी ना हूँ, कहीं खो जाऊंगा क्या? अनन्या ने कहा, वो तो है लेकिन बच्चे तो हम भी नहीं है ना, फिर भी तुम हमारे लिए फिक्र करते हो ना, तो हम तुम्हारे लिए कैसे फिक्र नहीं करेंगे? ध्रुव ने कहा, ठीक है बाबा, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना। अच्छा अब ये बताओ कि ठकुराइन कहाँ है? अनन्या ने कहा, ठकुराइन? मेरे ख्याल से वो छत पर गई है। ये सुनते ही विक्की बोला, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? उनको छत पर क्यों जाने दिया? किसी ने अगर उन्हें देख लिया तो? हद करते हो यार। इतना कहते हुए विक्की सीढ़ियों की तरफ भागने लगा तो ध्रुव ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? विक्की बोला, उन्हें वापस लेकर आने, छत पर वो टहलने के लिए गई है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, टहलने देना, आखिर उनका भी तो मन करता है खुली हवा में सांस लेने का, वो कब तक बंद रहेंगे? विक्की हैरानी से बोला, क्या बोल रहे तू? माना कि मेरा घर साइड में पड़ता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इधर कोई आता जाता नहीं है। किसी ने उन्हें देख लिया और सुमेर को बता दिया तो? फिर ध्रुव ने बोला, सुमेर को तो पता ही है ना कि वो यहाँ है, अब हमने उसको इनकार कर दिया कि ठकुराइन यहाँ नहीं है या वो उन्हें नहीं ढूंढ पाया तो ये अलग बात है, लेकिन जानता तो वो भी है कि सच क्या है। विक्की तुरंत नीचे आया और उसने ध्रुव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे बुखार तो नहीं है? कैसी बात कर रहे तू? तुझे खुद कुछ समझ आ रहा है? ध्रुव ने कहा, हाँ बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है, बल्कि ठकुराइन को तो अपने घर भी जाना है। ये सुनते ही सब चौंक कर ध्रुव की तरफ देखने लगे। तारा ने कहा, क्या कहा तुमने? वो हवेली जाएगी, ये किसने कह दिया? ध्रुव आराम से बैठकर बोला, मैंने कहा ना, मैंने बोला है क्या इतना काफी नहीं है? ध्रुव की बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, तब तक ठकुराइन के साथ चेरी भी नीचे आती नजर आई। ध्रुव बोला, अच्छा ये भी थी ऊपर? अनन्या ने कहा, हाँ।
ठकुराई ने जब उन सबको बातचीत करते हुए देखा तो बोली, क्या बात है, क्या बातें हो रही हैं? और तुम कहाँ गए थे ध्रुव? ये सब लोग तुम्हारे लिए काफी परेशान हो रहे थे। ध्रुव ने कहा, बस ऐसे ही, वैसे मुझे लगता है अब आपको हवेली जाना चाहिए। ये सुनकर ठकुराइन बोली, लेकिन क्यों, मतलब तुम मुझे वहीं से निकाल कर लाए हो और अब तुम कह रहे हो मुझे वहां वापस जाना चाहिए? तुम्हें पता है ना, अगर मैं सुमेर को मिल गई तो फिर वो मेरे साथ क्या कर सकता है? ध्रुव ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, वो बेटा है आपका, दुश्मन थोड़ी है। ठकुराइन ने नफरत भरे लफ्जों में कहा, वो तो दुश्मन से भी बदतर है। ध्रुव बोला, फिकर मत करिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप आराम से अपनी हवेली में रह सकती हैं और वैसे भी वो हवेली आपकी है, आप उसमें चाहे जो करें। सुमेर का उस हवेली पर अधिकार सिर्फ इसीलिए है ना क्योंकि वो आपका और ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा है। अगर नहीं होता तो उसका क्या अधिकार है उस हवेली पर? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पूरे हक के साथ उस हवेली में कैसे रहेंगी, आपकी सुरक्षा कैसे होगी और बाकी की सारी चीजें भी मैं आपको समझाता हूँ। ध्रुव की बातों से चेरी को अपने लिए भी फिक्र हो रही थी। चेरी ने कहा, तुम पुजारी जी को मंदिर भेज चुके हो और अब ठकुराइन को हवेली भेज रहे हो, तो अब मेरा क्या, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा भाई तो यहीं रह रहा है और हमें पता है कि वो मेरा भाई है, लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं पता ना, और अगर सबको बताते भी है तो छलावा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ध्रुव बोला, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी मैं कुछ अच्छा ही सोचूंगा, फिलहाल के लिए तो ठकुराइन की बात करते हैं। इतना कहकर ध्रुव अपने प्लान सबको बताने लगा और जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था ठकुराइन की आंखों में चमक आती जा रही थी और बाकी सबके चेहरे कभी हैरान हो रहे थे तो कभी ध्रुव की तारीफ में उनके एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। और आखिर में विक्की ने ध्रुव की पीठ को काफी जोर से थपथपाया कि ध्रुव गिरते गिरते बचा, लेकिन विक्की ने उसे संभाला और बोला, क्या कर रहा है भाई, तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ में भी तू ऐसे गिर रहा है, क्या आइडिया है, कमाल हो गया, धमाल हो गया, मतलब सही है, अगर ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाएगा, मुझे तो अभी से बेचारे सुमेर के लिए दुख हो रहा है। ध्रुव मुस्कुरा कर बोला, तो ठकुराइन अपने मायके से लौटकर अपने घर जाने के लिए तैयार हैं? ठकुराइन ने कहा, बिल्कुल। ध्रुव बोला, तो चलिए। तारा बोली, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे जाएंगे, उनकी हालत तो देखो, इनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। ध्रुव ने कहा, ये बात तो है, लेकिन अब क्या करें? विक्की ने कहा, मुझे पता है क्या करना है। विक्की ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और जुल्मी को कॉल किया। जैसे ही जुल्मी ने कॉल उठाया, विक्की बोला, सुन, अम्मा की जो सबसे सुंदर साड़ी हो, सबसे महंगी वाली, वो लेकर जल्दी से घर आ जा। दूसरी तरफ से जुल्मी ने कहा, तुम्हारे बारात में जाना है? विक्की ने कहा, हाँ, तू मेरी बारात में साड़ी पहनकर आ जाना, अब टाइम पास मत कर और जल्दी आ। ध्रुव ने विक्की की तारीफ करते हुए कहा, वैसे कभी कभी तो तू भी कमाल कर लेता है। विक्की ने कहा, मैं तो हमेशा ही कमाल करता हूँ, तुम लोगों को दिखता कम है तो मैं क्या करूँ। रूप जो कि उन लोगों की बातें कब से सुन रही थी, उसने कहा, वैसे इस काम के लिए तो मैं अपना जादू इस्तेमाल कर सकती थी अगर तुम लोग चाहो तो। ध्रुव ने कहा, कोई बात नहीं, जब ऑप्शन है तो जादू की इस्तेमाल करना। अब चलो लड़कियों, तुम लोग मिलकर ठकुराइन को तैयार करो, जब तक कि जुल्मी साड़ी लेकर आ रहा है तब तक तुम लोग इनकी बाकी की चीजों को सेटल करो। लड़कियां ठकुराइन को लेकर कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद ठकुराइन बिल्कुल बदल गई थी। डिसेंट सा मेकअप, अच्छे से बना हुआ हेयर स्टाइल, जैसे कि वो नॉर्मली रहा करती थी। जैसे जुल्मी साड़ी लेकर आया, अनन्या तुरंत साड़ी लेकर गई और ठकुराइन पूरी तरीके से रेडी हो गई थी। एपिसोड 823, सुमेर फंसा चंगुल में। ठकुराइन जैसे ही रेडी होकर कमरे से बाहर आई तो सब उन्हें देखते ही रह गए। कल तक जो ठकुराइन अस्त व्यस्त लग रही थी, अब वो बिल्कुल व्यवस्थित और पहले की तरह रौबदार लग रही थी। जुल्मी ने ठकुराइन को ध्यान से देखते हुए कहा, देखिए तो, हमारी अम्मा की साड़ी पहनकर आप कितना सुंदर लग रही हैं। वैसे ये जो साड़ी है ना, पूरे 3,000 रुपए की है। हमारी शादी में अम्मा को ये साड़ी हमारे ससुराल से मिला था। अभी हम इस साड़ी को अम्मा से चुरा कर लाए हैं। मालकिन ये साड़ी का ध्यान रखिएगा और जब आपको आपका सारा कपड़ा मिल जाए तो ये साड़ी वापस कर दीजिएगा, वरना हमारी अम्मा हमारा टांग तोड़ देंगी। उसकी बात सुनकर ठकुराइन मुस्कुरा कर बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं हवेली जाते ही तुम्हारी अम्मा की ये साड़ी अच्छे से धोकर भिजवा दूंगी। जुल्मी बोला, हाँ फिर तो ठीक है। विक्की अपना माथा पीटते हुए बोला, कितने सारे कंजूस मरे होंगे जब तू पैदा हुआ था। इस बात पर जुल्मी ने कहा, उतने ही जितने बेवकूफों के मरने के बाद तुम पैदा हुए थे। ध्रुव ने कहा, तुम दोनों का ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया हो तो ठीक है, वरना अंदर रूम में बैठकर तुम लोग अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। और ठकुराइन, आप पूरी तरीके से तैयार है ना? मैंने जो कुछ भी समझाया वो सब अच्छे से समझ गई है ना? ठकुराइन ने हाँ में सिर हिलाया। ध्रुव ने कहा,
और पुलिस के सामने भी आपको कैसे प्रिटेंड करना है, आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया है ना? ठकुराइन बोली, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सिर्फ इसलिए मजबूर थी कि मेरे बेटे ने मुझे धोखे से कैद में रख लिया था। अब अगर मैं आजाद हूँ और मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि सुमेर क्या कर सकता है, तो अब तुम फिक्र मत करो। तभी विक्की बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ठकुराइन अपने मायके से पैदल लौटी होगी? आखिर ये हवेली वापस कैसे जाएंगी? तभी ठकुराइन बोली, उसके लिए भी मेरे पास इंतजाम है। मैं ये बोल दूंगी कि मैं जिस गाड़ी से आ रही थी वो रास्ते में ही पंक्चर हो गई, और इतने समय बाद लौटी हूँ तो अपना घर देखे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं पैदल ही आ गई। ध्रुव ने कहा, ये ठीक है। ठकुराइन ने कहा, और जैसा कि तुमने मुझे बताया है वो सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मुझसे किसी किस्म की निराशा नहीं होगी। ध्रुव ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो चलिए मैं आपको हवेली छोड़ देता हूँ। ठकुराइन बोली, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। ध्रुव बोला, लेकिन आप खुद कैसे जाएंगी? आप ठकुराइन हैं, आप पैदल चलकर जाएंगी तो कैसा लगेगा, और आपका सामान? उसका क्या? ठकुराइन ने कहा, मेरा सामान पीछे से गाड़ी में आ रहा है। इतना कहकर सबसे मिलकर ठकुराइन बाहर निकल गई। गांव वालों के लिए तो जैसे एक के बाद एक हैरान कर देने वाली चीज हो रही थी। पहले पुजारी जी आ गए और फिर इतने समय बाद ठकुराइन आराम से चलती हुई पाली की सड़कों पर नजर आ रही थी। जो लोग भी उन्हें देख रहे थे उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे और उनका कुशल मंगल पूछ रहे थे। ठकुराइन भी सबसे बड़े प्यार से मिल रही थी और सबका हालचाल लेते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ठकुराइन के वहां से जाने के बाद ध्रुव ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग भी तैयार हो जाओ। छलावा ने पूछा, हम क्यों तैयार हो जाएं? हम लोग भी कहीं जा रहे हैं क्या? ध्रुव बोला, अब पाली में इतना मनोरंजन शुरू होने वाला है, तो क्या हम यहाँ रहकर वो मनोरंजन मिस कर देंगे? भाई हम सब भी शामिल होंगे ना इस मनोरंजन में। छलावा ने पूछा, लेकिन कैसा मनोरंजन? जुल्मी बोला, लगता है पाली में मेला लगने वाला है। विक्की ने कहा, मेला नहीं सर्कस होगा, और तू तो बंदर है ही, तो तू उसमें जाकर गुलाटी लगा लेना। ध्रुव बोला, सर्कस तो होगा, लेकिन उसमें गुलाटी जुल्मी नहीं लगाएगा बल्कि कोई और लगाएगा। विक्की ने कहा, पाली में भला जुल्मी से भी बड़ा कोई कलाकार हो सकता है क्या? ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल है ना, हमारे सुमेर सिंह। विक्की बोला, सुमेर? भला सुमेर का एक सर्कस से क्या लेना देना है, और मनोरंजन सुमेर कर रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आया। ध्रुव ने कहा, बहुत जल्द पुलिस हवेली पहुंचती ही होगी, और उसके बाद पुलिस अपने डंडे के इशारे पर सुमेर से सर्कस करवाएगी, और सुमेर सर्कस करेगा, और उस मनोरंजन को हम मिस नहीं कर सकते ना। ये सुनते ही विक्की खुशी से बोला, क्या बात कर रहा है, मतलब तूने इंतजाम कर दिया है कि पुलिस आए और सुमेर की नाक में दम करे। ध्रुव ने कहा, बिल्कुल, तुम लोगों को क्या लगा मुझे अचानक लंबी लंबी वॉक पर जाने का शौक चढ़ा है क्या? अब पुलिस स्टेशन जाकर आऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही ना, इसीलिए तो मैंने आज ठकुराइन को वहां भेजा है। विक्की ने खुश होते हुए कहा, भाई मानना पड़ेगा तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमीना है। ध्रुव ने कहा, थैंक यू सो मच तेरी शानदार तारीफ के लिए, अब चले? विक्की बोला, हाँ हाँ चल, मैं तो कब से तैयार हूं। कि तभी ध्रुव के मोबाइल पर कॉल आया, वो कॉल निम्मो भाभी का था। ध्रुव ने जैसे ही कॉल उठाया निम्मो बोली, ध्रुव गांव में पुलिस आई है और हवेली की तरफ गई है, हवलदार मुझे बुलाकर ले जाने के लिए आया था, तुम लोग भी जल्द से जल्द आ जाओ। ध्रुव ने कहा, ठीक है भाभी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप चलिए हम लोग भी आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा गलती से भी आपके मुंह से वो चिट्ठी वाली बात या दरबार ने आपको क्या कहा था वो बात नहीं आनी चाहिए। ये सब टॉपिक पुलिस पर ही छोड़ दीजिए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सब में बेचारा वो दरबान फंस जाए। निम्मो ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस तुम लोग जल्द से जल्द आ जाओ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। ध्रुव बोला, चलो दोस्तों आ गई पुलिस, उन्होंने निम्मो भाभी को भी बुलाया है, वो कह रही है कि हम भी जल्द से जल्द हवेली पहुंच जाएं, और बेहतर रहेगा कि हम सबके सब हवेली ना जाएं, बेमतलब में वहां सीन क्रिएट हो जाएगा, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम सुमेर के मजे ले रहे हैं, हमें भी ऐसे ही प्रिटेंड करना होगा कि इन सारी बातों से हमें हैरानी हो रही है। अपनी बात समझाने के बाद ध्रुव, तारा, अनन्या, छलावा और विक्की सब निकल गए। घर पर रितु, रूप और चेरी रह गई थी। जुल्मी भी अपने घर जाने के लिए निकल गया था। ध्रुव और उसके दोस्त जैसे ही सड़क पर आए, उन्होंने देखा कि वो बेकार में ही ज्यादा सोच रहे थे, जबकि पाली का हर एक सदस्य हवेली की तरफ ही भागे जा रहा था। ध्रुव से ज्यादा तो बाकी के लोग इस मामले को लेकर उत्साहित थे कि आखिर हो क्या रहा था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि हवेली में पुलिस क्यों गई है और महादेव कहाँ था। क्या हवेली से महादेव के गायब होने का कोई लिंक हो सकता है? लोगों के मुंह से ये सारे सवाल सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराकर अपने दोस्तों से कहा, देख रहे हो
ये सीन जो तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। सब अपने मन से ही अज्यूम कर रहे हैं कि महादेव के गायब होने में कहां का लेना देना हो सकता है। ध्रुव अभी इतना बोला ही था कि अनन्या ने ध्रुव को एकटक देखते हुए कहा, ध्रुव कई बार हमें लगता है कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो कामयाब हो रहा है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। क्या पता आस्तीन का सांप कहीं आसपास ही हो और प्लान कामयाब होते होते फ्लॉप हो जाए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ध्रुव ने अनन्या की आंखों में देखा और बड़े ही आराम से बोला, तुम फिक्र मत करो, मुझे सांप को काबू में करना बहुत अच्छे से आता है। अगर सांप के जहर के दांत तोड़ दो ना, तो वो वैसे ही छटपटाता रह जाता है, और मेरा मानना है कि जब दुश्मन अपने आप को होशियार समझने लगे तब उसकी ताकत को कम कर दो। और जिस आस्तीन के सांप की तुम बात कर रही हो ना, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। ध्रुव की ये बात सुनकर अनन्या एकदम से हड़बड़ा गई, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। विकी ने एकदम से कहा, तू क्यों घबरा रही है, वो आस्तीन के सांप की बात कर रहा है, तू तो नागिन है। विक्की ने ये बात मजाक में कही थी और अपनी बात कहने के बाद वो हंसने लगा था, लेकिन अनन्या ने उसे गुस्से में घूर कर देखा तो विक्की सकपका कर बोला, अरे मजाक था यार, तू तो सीरियस हो रही है। अनन्या ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे ऐसे बकवास मजाक पसंद नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। विक्की हैरानी से बोला, इसे क्या हो गया, कल जब से मैंने इसको देखा था उस उटपटांग सी वेशभूषा में, मतलब जो वो मुझे हुआ था, उसके बाद से तो मुझे इससे बात करने में भी डर लग रहा था। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने इससे नॉर्मली बात करने की कोशिश की तो ये गुस्सा हो गई। सच में अनन्या का कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। तारा बोली, तुमने बात ही ऐसी कही, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, अब चलो जल्दी। सब जैसे ही हवेली के नजदीक पहुंचे, उन्होंने देखा हवेली के बाहर ही पुलिस की जीप खड़ी थी और विवेक अपनी टीम के साथ सर्च कर रहा था। सुमेर बौखलाया हुआ सा विवेक के पीछे घूम रहा था और फिर वो बोला, आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर, जिस किसी ने भी आपको मेरे अगेंस्ट कुछ कहा है वो जरूर मुझसे जलता है या फिर किसी पुरानी दुश्मनी का बदला ले रहा है। इतना कहते हुए सुमेर की नजर ध्रुव पर गई तो वो ध्रुव की तरफ आकर बोला, मुझे यकीन है कि ये तुम्हारा ही काम है, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, ताकि पुलिस को गुमराह कर सको। तुम यही चाहते थे ना कि पुलिस का ध्यान तुम लोगों पर से हट जाए और तुम लोग अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा सको। इंस्पेक्टर मैं आपसे कह रहा हूँ, असली गुनहगार ये लोग हैं, मैं नहीं, विवेक ने बड़े आराम से कहा। उसकी फिक्र आप मत करिए सुमेर जी, गुनहगार को ढूंढना पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम बखूबी जानती है। वैसे एक बात बताइए, आपके पास टोटल कितनी गाड़ियां हैं? सुमेर ने पूछा, क्यों इस केस का मेरी गाड़ियों से क्या लेना देना है? विवेक बोला, अरे बताइए तो सही। सुमेर सोचता हुआ बोला, 3 जीप 2 कार और 3-4 बाइक और बाकी खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह है, अगर आप कहें तो उनकी भी गिनती दे दूं। विवेक ने कहा, क्या मैं आपकी जीप को देख सकता हूँ? ये सुनते ही सुमेर हैरानी से बोला, क्यों? विवेक ने कहा, एक बार दिखाइए तो सही। सुमेर बोला, इस तरफ आइए। इतना कहकर सुमेर विवेक को लेकर अंदर चला गया और पार्किंग एरिया में जहां उसकी गाड़ियां खड़ी थी वहां ले गया। विवेक ने उन सबको अच्छे से देखा और फिर बोला, आपने तो कहा था आपके पास 3 जीप है, यहाँ तो 2 ही खड़ी है, तीसरी कहाँ है? इस सवाल पर सुमेर थोड़ा सा नर्वस हुआ और फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, जी वो सर्विस सेंटर गई हुई है, कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए सर्विसिंग में देना जरूरी था। विवेक ने पूछा, कहाँ पर, कौन से सर्विस सेंटर पर गई है? सुमेर बोला, वो मुझे नहीं पता, मेरा ड्राइवर बताएगा आपको। विवेक ने कहा, ठीक है तो हम आपके ड्राइवर से बात कर लेंगे। वैसे आपकी इतनी बड़ी हवेली है, CCTV फैसिलिटी तो होगी है ना? सुमेर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब आप मुद्दे की बात करिए, मेरी हवेली में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करके मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। मेरी मिनिस्टर साहब के साथ एक जरूरी मीटिंग है और मुझे उसके लिए जाना है, मेरा टाइम बहुत कीमती है, सो प्लीज कम टू द पॉइंट। विवेक सुमेर को देखकर मुस्कुराया और बोला, जी टाइम का अभाव तो हमें भी है, लेकिन क्या है ना, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, उससे जरूरी कोई मीटिंग नहीं है, सही कह रहा हूँ ना? और ये देख रहे हैं इस औरत को, इसका पति गायब हुआ है तो आपसे ज्यादा जल्दबाजी इससे है, और CCTV से ये पता चलेगा कि आखिर महादेव यहाँ कब मौजूद था और यहाँ से कब निकला। सुमेर ने कहा, जी नहीं यहाँ पर कोई CCTV नहीं है। इससे पहले कि विवेक कुछ और पूछता, ठकुराइन जो काफी देर से आसपास ही कहीं छुपी हुई थी और ध्रुव के प्लान के हिसाब से सही मौके का इंतजार कर रही थी, वो एकदम से सामने आई और चौंकने का नाटक करती हुई बोली, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर और पुलिस यहाँ क्या कर रही है? सुमेर क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अचानक से ठकुराइन को देखकर सुमेर के होश उड़ गए थे। अभी पहले ही वो पुलिस वाले मामले में पागल हो रहा था
और अब ऊपर से ठकुराइन भी सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपना सर खुद फोड़ ले, लेकिन वो पुलिस के सामने कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता था। सुमेर अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, अरे माँ आप? ठकुराइन मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, बहुत दिन हो गए थे तुम्हारी नानी के घर रहते हुए। अब उन लोगों की तबीयत भी ठीक थी तो मैंने सोचा घर चला जाए। मैंने ठीक किया ना? इतना कहते हुए ठकुराइन ने सुमेर को अजीब नजरों से देखा और उनके होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई।